पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बयान एग्जिट पोल को बताया झूठा। झूठ की बुनियाद पर दिखाया गया एग्जिट पोल, बिना सर्वे के दिखाया गया एग्जिट पोल। धर्मेंद्र यादव का दावा, यूपी से गठबंधन के होंगे 70 सांसद, चुनाव में देश को मिलेगा बेहतर पीएम। बदायूं लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी ने संभल में बहजोई स्थित मुख्यालय पर मीडिया के सामने दिया बयान। पूरी चीजों का निरीक्षण करने आया था, चूंकि कल काउंटिंग होनी है, स्ट्रॉन्ग रूम से लेके काउंटिंग हॉल से लेके उन तमाम चीजों को लेकर मैं आया था। पूरे चुनाव में भी जिलाधिकारी महोदय से मिला नहीं था, तो शिष्टाचार में बीइंग उम्मीदवार मैं समझता हूँ जिम्मेदारी थी, तो मैं आज मिलने आया हूँ। बाकी कुछ बातें मुझे उनसे कह दूँगा। आपके समर्थक जो है लगातार यहाँ पर चुनाव में सवाल उठा रहे हैं और इसकी चौकीदारी भी की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या आपको कोई आशंका? पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत सबसे पहले संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा से हुई, जहाँ तोता घुसने की सूचना पर बिना किसी उम्मीदवार के एजेंट की मौजूदगी के आउटर गेट तोड़ा गया था, जिसकी सूचना मुझे खुद मिली। तो मैंने खुद शिकायत उस समय जिलाधिकारी महोदय से, कमीशन में, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने की, और उसके बाद व्यवस्थाओं में सुधार भी हुआ। उससे पहले हमारे एजेंट अलाउड नहीं थे, उस दिन से अब तक लगातार हमारे एजेंट वहाँ मौजूद हैं। हालांकि संभल में नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी आपने देखा कि पूरन में, गाजीपुर में शिकायत आई, चंदौली में आई, सब लाइव मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की घटनाएं सामने आई। तो इसलिए चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है चीज़ों को लेकर अलर्ट रहने की। उसके प्रति हम लोग और हमारे सपा बसपा के गठबंधन के सभी वर्कर बहुत मुस्तैदी से पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह लगे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये गणेश जी को भी दूध पिलवा सकते हैं। अच्छा, मीडिया में चीज़ें जो आई सामने, आप बताओ ईवीएम से भरे भरे ट्रक जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने चुनाव देखे होंगे, कभी ऐसा सूचना मिली थी कभी मीडिया को? मैं नहीं समझता कभी किसी को मिली होगी, एक भी ईवीएम की कभी फोटो आपको बाहर मिली हो, धीरे से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग प्रशासन के साथ मिलकर कहीं ना कहीं कुछ गलत करने की नीयत है। इसलिए हम लोग समाजवादी, बहुजन समाज के लोग, लोकदल के लोग, महागठबंधन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जो निभानी चाहिए। एग्जिट पोल के बाद जो परिणाम बताए जा रहे हैं, इसको लेकर पूरी तरह से बीजेपी आश्वस्त सी नजर आ रही है, इसको लेकर आपको क्या कहना है कि सरकार के दावे जो है कर रहे हैं वो आप एक बढ़ा रहे हैं? देखिए, आश्वस्त हैं, ये किसी को भी खुश रहने का पूरा हक है, रहें। लेकिन इसके पीछे क्या आपने कभी सोचा कि 19 तारीख के एग्जिट पोल से लेके आज 22 तारीख तक कुछ चुनिंदा कंपनियों को कितना फ़ायदा हुआ है शेयर मार्केट में, क्या आपने अंदाज लगाया इसका? आपके जो इकोनॉमिक्स के जो लोग हों, जानकार जर्नलिस्ट, उनसे आप पूछिए सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, शायद आपको जानकारी हुई होगी। मीडिया में क्या कारण है कि जो एक चैनल या एक सर्वे एजेंसी 56 सीटें हमकार गठबंधन को दिखा रही थी और दिखाते दिखाते अचानक 45 पे ला देती है? तो इस तमाम चीज़ें सवाल हैं देश के सामने। हालांकि आज तक जितने सवाल जवाब जो जिसको लेना हो दें, कल चीज़ें सामने होंगी। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा हूँ, सहारनपुर से लेके आखिरी जनपद कुशीनगर, बिहार के बॉर्डर का जनपद है अपना, वहाँ तक मुझे जाने का मौका मिला पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आज भी बहुत मजबूती के साथ कहता हूँ, कल जब परिणाम आएगा तो कम से कम 70 सीटें हमारे गठबंधन की होंगी, बीजेपी सिंगल डिजिट में होगी यूपी के अंदर। और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम के आधार पर देश से बीजेपी की सरकार कल विदा हो जाएगी। पीएम बनने कौन जा रहे हैं? कल के परिणाम के बाद हमारे नेता लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी, माननीय मायावती जी, और भी दलों के लोग हैं अलग अलग प्रदेशों में, सभी लोग मिलकर फैसला लेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि देश को नया पीएम तेज को कल मिलने वाला है, तो मैं समझता हूँ आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, कल इस देश को एक नया पीएम मिलेगा। क्या अखिलेश जी भी पीएम की दौड़ में? हालांकि उन्होंने लगातार आप लोगों के मीडिया के सवालों के जवाब में ही कहा कि वो बनाने में रोल ज़रूर प्ले करने के मूड में हैं और करेंगे। और ये बात मैंने हर माइक मंच पर, माइक मीटिंग में कही है कि इस बार पीएम देश का कौन होगा, इस बात का फैसला माननीय अखिलेश जी और माननीय मायावती जी मिलकर ही करेंगी, और जिसको ये लोग फैसला लेंगे वही देश का पीएम होगा, ये मेरा दृढ़ भरोसा है, विश्वास है।